Hello everyone, welcome back to Forensic Solutions. I am Apoorva here with the second tutorial of our series. पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि साइबर फॉरेंसिक क्या है और इसके करियर बेनिफिट्स क्या है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने आई बटन में इस वीडियो की लिंक दी है. इस वीडियो में और डिटेल में जाके हम देखेंगे कि साइबर फॉरेंसिक के टाइप्स क्या है जिसके ऊपर आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है. साइबर फॉरेंसिक का मतलब ही डिजिटल फॉरेंसिक. अब जहाँ पे डिजिटल ये वर्ड आ गया वहाँ पे पूरे डिजिटल डिवाइसेस आ गए, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और बहुत कुछ. अगर इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें दो डिवाइसेस ही देखेगी, एक है कंप्यूटर और दूसरा है मोबाइल फ़ोन. और हमें अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो इन डिवाइसेस के थ्रू तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है नेटवर्क का. तो यही हमारी तीन कैटेगरीज है. फर्स्ट है कंप्यूटर फॉरेंसिक, सेकेंड है मोबाइल फॉरेंसिक एंड थर्ड वन है नेटवर्क फॉरेंसिक. एज पर दी नेम कंप्यूटर फॉरेंसिक में हम बेसिकली कंप्यूटर और डिजिटल स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इसका इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे मान के चलिए किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ है जिससे उनका डेटा ब्रीच हुआ है, उस केस में हम उन कंपनी के पीसीज पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे. उसमें हम इवेंट लॉग, ब्राउजर हिस्ट्री एंड एक्टिविटीज चेक करेंगे जिससे कि हमें पता चले कल्प्रिट कोई एक्सटर्नल हैकर है या उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय. पर इतने सारे डेटा का एनालिसिस करना वहाँ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कुछ फॉरेंसिक टूल की मदद से वहाँ के डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं. वो कॉपी लैब में ले जाकर उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. एनालिसिस के बाद जो भी हमें डेटा एज ए प्रूफ मिलता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक रिपोर्ट जनरेट करते हैं. ऐसे ही मोबाइल फॉरेंसिक में हम मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड पर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं. मोबाइल फ़ोन में जैसे टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल लॉग, सोशल मीडिया डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. जैसे कहीं पे मर्डर या फिर सुसाइड होता है तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस रहता है विक्टिम का मोबाइल फ़ोन. क्राइम सीन में हम सबसे पहले उस मोबाइल को सीज करते हैं, वो लैब में ले जाकर उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. अगर हमें कुछ डेटा डिलीटेड दिखता है तो उसको रिकवर करते हैं. अगर केस के रिलेटेड कुछ डेटा मिलता है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बना के हम कोर्ट में देते हैं. अगर आपके फ़ोन में किसी ने मालवेयर या स्पायवेयर डाला हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका फ़ोन कोई हैक कर रहा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई गेन करने का ट्राई कर रहा है, तो उस केस में भी मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन काम आता है. नेटवर्क फॉरेंसिक में हम कंप्यूटर नेटवर्क ट्रैफिक पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए. जो भी क्राइम नेटवर्क के थ्रू होता है उसका इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क फॉरेंसिक के अंडर आता है. जैसे से फॉर एग्जांपल किसी बैंक के सर्वर को हैकर ने हैक कर लिया और उसके पूरे पैसे निकाल लिए, उस केस में हम उस बैंक के इंटरनल नेटवर्क को चेक करेंगे जिससे उसके पूरे पीसीज कनेक्टेड है, और हम नेटवर्क के थ्रू कौन से पैकेट आए बैंक के अंदर, कौन से गए, वो चेक करेंगे. ये सब चीज़ें नेटवर्क के रिलेटेड नेटवर्क फॉरेंसिक में आती है. ये सब तो हो गया साइबर फॉरेंसिक के टाइप्स के बारे में. इसके साथ ही अगर आपको और एडवांस साइबर फॉरेंसिक का कोर्स करना है तो आप हमारे साइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने साइट की लिंक दी है. और सेकंड थिंग, हम ट्रेनिंग के साथ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. हमारे अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप्स भी है, स्टूडेंट्स को वहाँ काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टे सेफ, स्टे सिक्योर.